आगामी 3 दिसंबर दिन रविवार को जी टाउन हॉल के मैदान, गोविंद हाई स्कूल के जो टाउन हॉल का मैदान है वहां पर देवतुल जनता मालिकों का ठीक है पैर पूजाई कार्यक्रम पार्टी की ओर से किया गया है, जिसमें हमारे नेता चतरा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी माननीय श्री सुभाष प्रसाद यादव जी उपस्थित रहेंगे। उन्हीं के देखरेख में सारा कार्यक्रम संपन्न होगा और इस कार्यक्रम में हमारे झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव जी रहेंगे और राज्य के मंत्री रहेंगे और भी प्रदेश के हमारे नेता पूर्व विधायक पूर्व मंत्रीगण रहेंगे, पूर्व सांसद महोदय लोग रहेंगे। साथ ही साथ यह कार्यक्रम इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो संदेश है जी गरीब गुरबा पिछड़ा अकलियतों के जो संदेश देने का काम करना है, जो लालू जी ने जुबान दिया था वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने यह जो पैर पूजाई कार्यक्रम के माध्यम से एक लोग भी जुड़ना है और लालू जी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि अभी जान रहे 2024 में धर्म युद्ध महासंग्राम होने वाला है देश में, 2024 का जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होने वाला है उसी को देखकर हम लोग चाहते हैं कि लालू जी स्वस्थ रहें। हमारे सेनापति जब स्वस्थ रहेंगे तो हमारे जो कार्यकर्ता है उनका सेना है, लालू जी हम लोग जो सेना है एक एक लोग में उत्साह रहेगा और आर्थिक न्याय के जो मसीहा बन रहे हैं हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कि आर्थिक न्याय कर रहे हैं लोगों को, रोजी रोजगार जिस तरह बिहार नौकरी बांट रहे हैं, अब जान रहे हैं कि आर्थिक न्याय के जो नेता बने हैं उनका जो संदेश है कि सभी को एक साथ लेकर चलने का काम करना है, सभी जात सभी संप्रदाय के लोग को एक साथ लेकर चलने का काम करना है। लेकिन आज जान रहे देश में स्थिति क्या है जी, भाजपा के लोग केवल बांटने का काम करते हैं, भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं, जात पात की राजनीति करते हैं ये लोग, सिर्फ मंदिर मस्जिद यहीं तक भाजपा के लोग सिमट चुके हैं और इनके पास न रोजगार का जो मुद्दा दिया था उन्होंने कि जो रोजगार देना है कहानी खत्म हो गया रोजगार का, महंगाई का जो मुद्दा था कि महंगाई कम कर देंगे महंगाई का मुद्दा चौपट हो गया। भाजपा पर क्यों बरस रहे हैं, अभी तो भाजपा की सरकार है नहीं, केंद्र तो भाजपा की सरकार है ना, तब केंद्र की बात कर रहे हैं तो केंद्र की बात कर रहे हैं, भाजपा है केंद्र में 10 साल हो गया लोग ठगने का काम जो भाजपा किया है, 10 साल ठग ठग के बुड़बक बनाने काम कर रहा है और आज भी भाजपा के कुछ लोग घूमते हैं और बुड़बक बनाने जो काम कर रहे हैं कि घरे घर मोदी जी बोले थे घर बन जाएगा बोलते थे ना, तो आप राज्य सरकार पर क्यों नहीं कुछ बोल रहे, केंद्र पर आप पहुंच गए राज्य को छोड़ दिए, राज्य को कहाँ छोड़ रहे हैं हम लोग, राज्य हम लोग सरकार के बारे में भी कुछ बोल दीजिए, राज्य में हमारी गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार सफल कार्यक्रम कर रही है, जनता के हित काम कर रही है। आप जानते हैं जब से सरकार बनी थी हमारे राज्य में 2 साल कोरोना में चला गया था जी, उसके बावजूद हमारे हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में जो कार्यक्रम हुआ है, जो कार्यक्रम सरकार चल रहा है, गठबंधन की सरकार है, ये जनहित की काम कर रही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है जी। मैंने 2024 को देखते हुए जो है आप लोग ये प्रोग्राम रख रहे हैं ताकि लालू जी जो है स्वस्थ रहे, सही ठीक ठाक, हाँ लालू जी स्वस्थ रहेंगे, सेना के नायक हमारे स्वस्थ रहेंगे। अगर 2024 अगर ये चुनाव नहीं होता तो ये भी आप लोग प्रोग्राम रखते या 24 है तभी आप रखते? नहीं नहीं नहीं, ये प्रोग्राम होगा, लालू जी का संदेश है, लालू जी का संदेश को हम लोग घर घर पहुंचाने के लिए यह प्रोग्राम रखे हैं और ये प्रोग्राम से गढ़वा में ही नहीं होगा, वो हम सवाल नहीं किए, 2024 जो आने वाला है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, इसलिए आप ये प्रोग्राम रखे हैं, अगर ये चुनाव नहीं होता फिर भी आप रखते या फिर ऐसे ही? फिर भी रखते कार्यक्रम, ये पार्टी का कार्यक्रम हमारा राष्ट्रीय जनता दल कार्यक्रम है, जनता मालिक पैर पूजने कार्यक्रम ये शुरुआत कर रहे हैं 3 तारीख से और लगातार क्षेत्र के गढ़वा जिला के 200 प्रखंड ये पहुंचेगी यात्रा और हम लोग सभी जनता से एक एक लोगों से मिलने काम करेंगे। लालू जी का जो संदेश है, तेजस्वी जी का जो संदेश है, उसको घर घर पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे जी। बिल्कुल गुरु जी, आप ये बताइएगा 2024 को ध्यान में रखते हुए उनका स्वास्थ्य की कामना क्यों किया जा रहा है? चूँकि पूर्व से देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार जो है उनको कटघरे में बंद कर रखी है, ये शोषण किया है, ऐसे घोटाला किए हैं, चारा घोटाला है, ये वो सारे जो समस्या है सामने ला करके उनको बंद रखे थे। उसके बाद अभी जो है थोड़ा सा राहत मिला है, उस स्थिति में उन्होंने कहा कि अब मैं फ्री हो गया हूँ, हमारे लोगों को जगने के लिए जगाने के लिए कार्यक्रम को तय करिए और एक तरफ से सभी जिला में इस कार्यक्रम को तय करिए और विधिवत जो है इसको कार्य करिए और पूर्व की भांति आने वाला समय में सारे लोगों को जगाइए। जो जंगल जमीन और पानी का जो बात करता है आदमी, जंगल जमीन की बात करता है, उसको पुनः धरातल पर लाने की आवश्यकता है, इसलिए फिर से इस कार्यक्रम को प्रारंभ कीजिए जी। 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में भी चुनाव का जो है लहर चला और उसका भी रिजल्ट कुछ न कुछ आने वाला है, क्या वो भी कुछ ख्याली पोला हो या सिर्फ लालू प्रसाद यादव का ही स्वास्थ्य के लिए? नहीं, सिर्फ
लालू प्रसाद यादव जी के स्वास्थ्य के लिए। हाँ, गठबंधन तो आपका छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। हाँ, चल रहा है। तो उसका क्या शुभकामनाएं देंगे उसमें? हम 3 दिसंबर का, 3 दिसंबर हमारे पक्ष में जो है सो फैसला आने वाला है, और हम शुभकामनाएं देंगे कि हमारे पूर्व की जो सरकार है छत्तीसगढ़ की, वो उसी रूप में फिर से स्थापित हो जाए और चलती रहे, जनता का काम करती रहे। क्या कार्यक्रम क्या है 3 दिसंबर को? 3 दिसंबर को टाउन हॉल के मैदान में जनता तुल्य जो है, देव तुल्य पैर पूजाई का कार्यक्रम है जी, और यह कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा। प्रत्येक प्रखंड से लेकर के जिला, जिला से राज्य तक यह कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा। और लालू जी का तो स्वास्थ्य की कामना है ही जी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का यह कार्यक्रम जो है सो गरीब, पिछड़ा, अकलियत, इस सारे लोगों को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, विश्वास हासिल कर रहे हैं कि चूंकि यह राष्ट्रीय जनता दल जनाधार है पलामू प्रमंडल में जी, इसलिए हम लोग यहाँ से शुरुआत गढ़वा जिला से हो रहा है जी, पूरे झारखंड का गढ़वा जिला से। हाँ, पूरे झारखंड का गढ़वा जिला से शुरुआत हो रहा है। हाँ, और ये प्रत्येक प्रखंडों में चलेगा और राज्य जिला में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें कैसे कैसे लोग शामिल होंगे और किन लोगों का आप जो पूजन करेंगे? देखिए, ये 3 दिसंबर का जो पाव पूजन का जो कार्यक्रम है, ये कोई नई बात नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि पलामू प्रमंडल 1995 में जब चुनाव हुआ था तो जनता दल का पलामू प्रमंडल का 9 सीट जो है जनता दल के झोली में गया था जी। तो जनता दल का आज जो प्रोग्राम हो रहा है, यह प्रोग्राम में आने वाला विधानसभा और लोकसभा दोनों का दशा और दिशा दोनों तय करेगी जी। ये राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश में किसी तरीके का कमजोर नहीं है। हम लोग इसी के निमित्त यह कार्यक्रम रखें, इसके अलावा भी अभी कार्यक्रम लगातार होगा। चलिए, बिल्कुल आपको हम बता दें, क्योंकि बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जो है स्वास्थ्य कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ था, लेकिन ये करोड़ों जो देशवासी हैं सारे लोगों का दुआ और आशीर्वाद से उनका स्वास्थ्य जो है लगभग रिकवरी के उम्मीद में है। लोग जो हैं 3 दिसंबर 2023 को जो है ये प्रत्येक जिला, ये झारखंड बिहार ही नहीं बल्कि पूरा लगभग पूरा देश में जो है ये कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि वो स्वस्थ रहे। और 2024 जो है हमारे सर के ऊपर है, 2024 में जो है लगातार ये डबल जो है चुनाव होने वाला है लोकसभा और विधानसभा का, जिसको लेके उनके जो चाहने वाले हैं, जो कार्यकर्ता लोग हैं, कार्यकर्ता लोगों के अलावा जो एक आम पब्लिक है, जो एक आम ग्रामीण लोग, वो भी चाहते हैं जो लालू प्रसाद यादव जो है बहुत जल्द ठीक हो और हमारे बीच जो है एक बड़ी जो है सभा का भी आयोजन करें। जय हिंद।